हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग आर्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का ये लेडीज़ कार्डिगन का पैटर्न लेकर आई हूँ। इसे आप लेडीज़ कार्डिगन या लेडीज़ जैकेट पे आप ये बना सकते हो। तो इसे शुरू करने के लिए, इस पैटर्न को शुरू करने के लिए इसमें 3 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस 1 फंदा एक्स्ट्रा डालना है। 3 के मल्टीपल प्लस 1 फंदा एक्स्ट्रा ऐड करना है। और ये जो है 4 सिलाइयों का पैटर्न है। तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करें। पहली सिलाई सीधी तरफ से, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये अगला जो तीसरा फंदा है, ये पहला 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा हमने सीधा बनाना है, लेकिन जाली डालनी है साथ में, यानी कि 1 फंदे का 2 फंदे बनाना है। तो धागा हमारा जो है आगे की तरफ रहेगा और 1 फंदा सीधा बन जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 फंदे का 2 बन गया है, 1 2। देखिए फ्रेंड्स, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे, धागा आगे किया तो ये जाली डल गई और 1 फंदा सीधा। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए फिर से इसमें साथ में जाली डल गई है। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, 1 फंदा सीधा। जाली के साथ ही आपका ये फंदा बनता चला जाएगा। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही रिपीट करनी है। उल्टे फंदों को उल्टा बनाना है और सीधे फंदे को धागा आगे ही रखेंगे और सीधा बुनाएंगे, जिससे कि हमारी एक जाली भी साथ में बनती चली जाएगी, यानी कि 1 फंदे का हमने इसमें 2 फंदे बनाने हैं। धागा अपनी तरफ रखेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, लास्ट के फंदे को सीधा बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो पहली सिलाई डाली है, 1 फंदा स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे बुने, और ये देखिए ये जाली वाला फंदा बन गया और ये एक जो सीधा फंदा हमने जाली के साथ बुना था, 2 उल्टे 1 सीधा जो जाली के साथ बुना था। इस तरह से पूरी सिलाई मैंने रिपीट कर ली है। पूरी सिलाई करने के बाद आप उल्टी तरफ से क्या करना है, पहले फंदे को उल्टा बुन लेंगे, जो फंदे आगे से उल्टे हैं वो आप पीछे से इसे सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और जो ये 2 फंदे सीधे थे, इन्हें हमने उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है, जाली से बने वाले फंदे को भी उल्टा और पहले वाले फंदे को भी। अब ये 2 फंदे उल्टे हैं, इधर से उल्टे हैं और यहाँ से हमने इसको सीधा बनाना है, उल्टी तरफ से सीधा, और जो सीधे आगे थे वो पीछे से उल्टे बनेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा जो है जाली से बन गएगा। अब 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे की ये पूरी रो आपने ऐसे ही रिपीट करनी है। ये पैटर्न की जो है सेकंड सिलाई है। ये मेरी सिलाई कंप्लीट होने वाली है, लास्ट के फंदे को उल्टा बना लें। अब मैं थर्ड सिलाई पे आ गई हूँ। थर्ड सिलाई में क्या करना है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, ये फंदे जो हैं उल्टे फंदे हमेशा उल्टे ही बनेंगे, सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ सीधी, सीधी तरफ से उल्टे और उल्टी तरफ से सीधे चलेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो जाली से बना हुआ फंदा बनाया था, ये फंदा, इस फंदे को, इसकी फंदे की हमने डायरेक्शन चेंज करनी है। इस तरह से फंदा बदल के धागा पीछे करेंगे और 2 फंदों का 1 करना है, क्योंकि फंदे बड़े हुए हैं, जाली से बने हुए फंदे बड़े हुए थे तो अब इसे घटाना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, ये जो जाली से बना हुआ फंदा है, ये जाली से बना हुआ फंदा है,
इसे इस तरह से पलट देंगे। डायरेक्शन चेंज करने के बाद दो फंदों का एक करेंगे बैक साइड से, बैक लूप करना है। दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और ये जाली से बने हुए फंदे को पलटेंगे और बैक साइड से दो फंदों का एक करेंगे। एक बार आपने फंदे को बढ़ाना है और अगली सिलाई में जो है सीधी तरफ से फंदों को घटाना है। दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, ये जाली से बने फंदे को डायरेक्शन चेंज करेंगे और दो फंदों का एक करेंगे बैक साइड से। दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और ये जाली से बने फंदे को फिर पलटेंगे और बैक साइड से दो फंदे का एक कर देंगे। फिर दो फंदे उल्टे और एक फंदा लास्ट का सीधा। ये पैटर्न की तीसरी सिलाई है। अब चौथी सिलाई में आपने क्या करना है? चौथी सिलाई में अब आपके जो हैं दो फंदे सीधे, आगे के जो उल्टे थे दो वो सीधे हो जाएंगे और जो एक सीधा था वो उल्टा बुना जाएगा। पहले हमारे पास दो सीधे आए थे क्योंकि उस टाइम हमने फंदे को बढ़ाया था। अब हमने फंदे को घटाया तो अब एक दो फंदे सीधे होंगे और एक फंदा उल्टा बनेगा। इसी तरह से ये चार सिलाइयाँ आपने रिपीट करते चले जाना है और आपका ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये समझाने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये चार सिलाइयों का जो पैटर्न है बनने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। जो फंदे हमारे आगे से उल्टे थे वो फंदे सीधे बुने जाएंगे और जो सीधे थे वो उल्टे बुने जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये चार सिलाइयाँ रिपीट करते चले जाना है। पहली सिलाई में आपने क्या करना है? जब फर्स्ट सिलाई में आपने क्या करना है? एक फंदा स्लिप करना है, दो फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर धागा आगे करना है, अपनी तरफ रखना है और इस पर एक फंदे को सीधा बुनना है जाली के साथ, यानी कि एक फंदे का दो बनाना है। दो उल्टे, एक का दो, दो उल्टे, एक का दो, दो उल्टे, एक का दो, धागा आगे करके यानी जाली डालकर एक फंदे का दो बना देना सीधे सीधे वाले फंदे को। और उल्टी तरफ से दो फंदे सीधे बनेंगे आपके, दो उल्टे बनेंगे, दो सीधे, दो उल्टे। फिर तीसरी सिलाई में आपने क्या करना है? तीसरी सिलाई में आपने जो फंदा हमने बढ़ाया था जाली डालकर, उसे आपने फिर पहले फंदे को स्लिप करना है, दो फंदे उल्टे बुनने हैं और जो जाली से बना हुआ फंदा है उसकी डायरेक्शन चेंज कर कर दो फंदों का एक कर देना है बैक साइड से। यानी कि पहले फंदे को बढ़ाना है आपने पहली सिलाई में और तीसरी सिलाई में आपने फंदे को दो का एक करना है। फिर उल्टी तरफ से क्या होगा? उल्टी तरफ से आपके एक फंदे को स्लिप करेंगे, दो उल्टे बनेंगे और एक सीधा बनेगा। दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, पूरी सिलाई आपने ऐसे ही रिपीट करनी है। तो आपको मैंने चारों सिलाइयों को जो है स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये पैटर्न अच्छा लगेगा। प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।